बहुत सारे जेरी जी जैसे चाय के डोगरा जी के शब्दों में कहें तो चिस्सड़ आते हैं, ऐसे लोग जिनको चाय पसंद है, तो उन्हीं के साथ साथ हम भी आ गए हैं आगरा। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है, ये दिल्ली गेट है भाई साहब, दिल्ली गेट की ये मशहूर दुकान है चाय की, दिल्ली गेट टी स्टॉल। ये नया वाला है लेकिन नए पुराने में कोई विवाद नहीं है जैसा अक्सर होता है, और यहाँ बहुत सारे ललन टॉप के दोस्त भी जुटे हैं चाय पीने के लिए। आते ही उन्होंने ये भी कह दिया कि भैया तुम्हारा स्कार्फ कहाँ है। हमको एकदम से लगा कि हमें हमारे ही गणराज्य की नागरिकता से बेदखल कर दिया गया, ऐसे ही आज हमने स्कार्फ नहीं डाला है। इधर आ जाएं, इनके जूते दिखाओ, इस पर लाल एकदम गुस्से वाला बना हुआ है। क्या नाम है गुरु तुम्हारा? जयेश। क्या करते हो? BCA कर रहा हूँ। खड़े काहे हो गए भैया, भीतर किया कि बेंच पे बैठो? चलो रेलगाड़ी बनाओ चुक चुक है। ये देखो ये भाई हैं, ये जिम छोड़ के आए हैं। क्या नाम है? समीर। जिम नहीं किया आज? नहीं, अब जाऊंगा। क्यों छोड़ दिया भाई जिम? वो भाई ने बताई थी आप आ रहे हैं। भाई ने बताई कि भाई आ रहा है? बढ़िया। क्या नाम है? समीर। क्या काम करते हो जिम करने के अलावा? अभी तो BCOM हुआ है, पूरा पढ़ाई चल रही। अब ये घर वालों को और पड़ोस के अंकल को बताने वाला जवाब दे रहा है, यार पढ़ाई चल रही है, है हमने तो की नहीं पढ़ाई। सही से बताओ क्या करते हो? अभी तो पापा के संग काम में। पापा के परे हो? पापा के साथ काम में, परे। अच्छा, यानी परी और परा होते हैं ना, पापा की परी और पापा के परा, तो तुम पापा के परा हो। क्या काम है पिताजी का? शूज का। अच्छा, कारोबार में जाना है जी? तो फिर पहले का है बोला कि BCOM बेकार डिग्री पर बात कर रहे हो, है कैसा चल रहा है आगरा में काम? हम सुना है स्मार्ट सिटी बन रही है। कहाँ बन रही? अरे हमने तो सुना, तुमसे पूछा, तुम बताओ। नहीं बन रही, सुनने ही सुनने वाली बन रही है। अच्छा जी, फिर क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, जो हो रहा है सबके सामने। अरे भैया बता दो ना, कैमरे पे नहीं दिख रहा, कैमरे तुम दिख रहे हो। क्या हो रहा है आगरा में बताओ? कुछ नहीं हो रहा, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। वैसे तो कुछ नहीं हो रहा, स्मार्ट सिटी हो रही है पर दिखने के लिए नहीं हो रही, बोलने के लिए हो रही है। किसी भी रोड पर चले जाओ आप, कोई स्मार्ट सिटी नहीं है, बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, सब है। कोई स्मार्ट सिटी होती है तो स्मार्ट दिखता, तो इंसान स्मार्ट होता है तो इंसान दिखता है। स्मार्ट सिटी होगी तो स्मार्ट दिखेगी। अभी दिख नहीं रही। दिख नहीं रही, दिखेगी उस दिन, स्मार्ट भी हो जाएगी। दिखेगी तो हो जाएगी, है बढ़िया। तो और कुछ भैया? प्रणाम। तो कुछ आगरा का क्या है मुद्दा, क्या करवाना चाहिए आगरा में सरकारों को? आगरा में एजुकेशन होनी चाहिए सबसे बड़ी बात, और एजुकेशन की बड़ी यूनिवर्सिटी, यार अलीगढ़ वाले कह रहे थे यूनिवर्सिटी आगरा में है, उनको मिल गई वो खुश है। बाहर यूनिवर्सिटी के बाहर रोज लाइन भी तो लगी रहती है। क्या होता है जरा विस्तार से बताओ गुरु। रोज लाइन लगी रहती है, किसी की डेट शीट आगे बढ़ जाती है, कभी रिजल्ट का मुद्दा रहता है, डेट शीट नहीं मिलती, किसी को मार्कशीट नहीं मिलती, महीनों महीनों जाते हैं, मार्कशीट की लाइन लगी रहती है। काम ठीक से नहीं हो रहा आगरा यूनिवर्सिटी में। आप चले जाओ, अभी थोड़े दिन पहले ही लाइन लगी हुई थी, लाठी पड़ी, बच्चों को उठा के ले गए, यहीं के थे। कौन उठा के ले गया? पुलिस वाले। क्यों होती है लड़ाई? मतलब कुछ था, धरना दे रहे थे, वो मार्कशीट डेट वगैरह के पीछे कुछ हो गया था। विद्यार्थी तो सरकार के जिगर के टुकड़े होने चाहिए, उनको ऐसे टुकड़े टुकड़े करके क्यों मारते हैं भाई? जो जो बोलेगा वो, जो बोलेगा वो पिटेगा, वो पिटेगा। पर आप भी तो बोल रहे हैं बेखौफ होके। बोल रहे हैं बिल्कुल, डरना नहीं चाहिए। बोलना क्या, बोल रहे हैं तो बोल ही रहे हैं, जवान है तो बोल रहे हैं कि आगरा यूनिवर्सिटी में गड़बड़ है। रोड सबसे बड़ी बात, आप कार नहीं चला सकते रोडों पे प्रॉपरली, सड़क बहुत खराब हो रखी है। सड़क है ही नहीं। अच्छा है ही नहीं, खराब तो सड़क कहाँ है? एक कार चल सकती है बगल से, एक कार और नहीं चल सकती MG रोड पर। क्या इंक्रोचमेंट है सड़क की? सड़क चौड़ी करते हैं पर रोड तो बनाओ, तभी तो चौड़ी होगी। नहीं थोड़ा समझाइए और। जैसे रोड है, ठीक रोड है, रोड को आपने साइड से सब हटवा दिया, अब उस पर रोड बनेगा तभी तो चौड़ी होगी। अच्छा तो रोड को एक्सटेंड नहीं कर रहे आप? लोहा मंडी से बोदला वाला रोड है, हाँ। सिविल लाइन डली, ठीक है, उसको आज एक दो साल होने वाले बोदला वाले रोड से, हाँ। आप चले जाओ, आपकी कार क्या एक्टिवा जाने में पहिए निकल जाएंगे। एक्टिवा के भी ऐसी स्थिति हो रही है, मतलब पेट वेट सब पेट क्या अंदर का सब हिल जाएगा। हिल जाता है? मैं तो जाता ही नहीं हूँ। अच्छा जी, जाना ही बंद करो। अपने पेट से करे प्यार, वो सड़क पर जाने से करे इनकार। हाँ, सड़कों वाले रोड से जाओ, ऐसा कुछ है क्या? अच्छा जी, हाँ क्या नाम है भाई आपका? सर मेरा नाम सरनदीप सिंह है। पहने रहो गुरु है, ये बिल्कुल इंडिया में ही होता है, आदमी दूर होगा मास्क लगाए या पास आके और भाई कैसे हो हम भी उतार देते हैं वैसे कभी कभी
है? क्या नाम बताया? शरणदीप सिंह। क्या करते हो गुरु? बैंकर हूँ सर बाय प्रोफेशन। तुम्हारा लेकिन ये बड़ा धांसू है, इसमें आर्मी का वो भी बना हुआ है। एग्जैक्टली सर। क्या फौज में है कोई? घर में नहीं सर, घर में तो नहीं है, रिलेटिव्स हैं। बढ़िया, उनको बोलना हमको एक भाई साहब मिले थे, उनको मास्क बड़ा पसंद आया, वो भी मांग रहे थे। सर फैन है सर सब आपके? फैन है? अरे बाप रे, ये खतरनाक चीज है। तो बताओ भाई, कब से आगरा के रहने वाले हो? नो सर, एक्चुअली मैं झांसी से हूँ, यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आया। ये लड़का हमारे मायके से है, नोट किया जाए। अरे भैया, बुंदेलखंड हमारा घर है। लगाओ है, होना चाहिए ना, लगाओ भी होना चाहिए सर। तो यहाँ कब से ट्रेनिंग कर रहे हो? सर अभी मेरे को एक वीक हुआ है यहाँ पे। पहले कभी आए हो? एग्जैक्टली कई बार आया हूँ, पहले भी ट्रेनिंग के लिए आ चुका हूँ यहाँ पे। एक्चुअली हम लोग की ट्रेनिंग एक साल की होती है, तो उसमें पहले भी यहाँ पे आना हुआ है मेरा आगरा में। ट्रेनिंग हो जाएगी फिर क्या लोन बांटोगे? अब सर जो भी प्रोफाइल मेरे को मिलेगी बैंक की तरफ से। कौन सी बैंक में हो? पंजाब नेशनल बैंक। जिसका वो पैसा लेके भाग गया हैं? वही वाली बैंक है ना? एग्जैक्टली सर। हम नहीं भागेंगे, चिंता मत करो। तो फिर ये बताओ, जैसे मान लो ये इधर आओ, ये समीर हैं, इनको लोन चाहिए, और ये लोन लेके चौकस होके चौकसी ना हो जाए, तो क्या करते हो उसके लिए? बैंक वाले क्या सावधानियां बरतते हैं? सर एक्चुअली जो भी लूप होल्स होते थे अभी तक, उसमें काफ़ी सारी मतलब इम्प्रूवमेंट्स आए हैं। जैसे कि नीरव मोदी वाला जब केस हुआ था, उसके अंदर भी कुछ लूप होल्स थे, लेकिन वो बाद में जो है बैंक के मैनेजमेंट ने और आरबीआई ने, गवर्नमेंट ने मिलके सब ने उसको रेक्टिफाई किया है अपनी तरफ से पूरा। तो अब वो वाला केस दोबारा रिपीट होगा ऐसा तो मैं नहीं सोच सकता। आई सिंसियरली होप सो। ये बताओ गुरु, जैसे अब तुम बैंक में आ गए हो, तो तुमने बैंकिंग या बैंक के ऑफिसर्स के बारे में बहुत सारे मिथ्स भी सुने होंगे, बहुत सारे लोग वियर्ड सी चीज़ें भी पूछते होंगे। किस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं? यूजुअली सर बैंक में सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात होती है, मतलब जो बाहर के पर्सन होते हैं यार, कि थोड़ा सा यहाँ पे वर्क प्रेशर है। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि जिस सिनेरियो में आज हम रह रहे हैं, एक जॉब होना यही बहुत बड़ी बात है, कोई वर्क प्रेशर वाली बात नहीं। क्योंकि जो बंदे प्राइवेट सेक्टर से होकर आते हैं, एक मिनट, तुम्हारे बैंक के लोग कहते हैं कि वर्क प्रेशर है? बैंक के लोग नहीं, बैंक के बाहर वाले लोग जो मुझसे मतलब जो बैंक के बाहर है, मतलब बैंक में नहीं है। तुम काउंटर नंबर चेक भेज देते हो? अच्छा बताओ, ये सरकारी बैंकों के बारे में इतने ये सब क्या है कि लंच ब्रेक हो गया बाद में आना? सर वो एक बस सोशल मीडिया की हाइप है, ऐसा कुछ है नहीं सर अंदर। हाँ, तुमको देख के कतई नहीं लग रहा कि तुम सरकारी बैंक में हो। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं ऑन अ सीरियस नोट, आई हैव बीन कस्टमर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड आई हैड ग्रेट एक्सपीरियंस देयर। तो जितने भी सारे स्टीरियोटाइप्स हैं, जोक्स अपार्ट, जो यंग ऑफिसर्स आ रहे हैं, जो पीओ आ रहे हैं और सारे स्टाफ में लोग आ रहे हैं, तो वाकई में जो सरकारी बैंक हैं, क्योंकि सरवाइव ही नहीं करेंगी। एक्चुअली सर मैं पहले एसबीआई में भी रह चुका हूँ, तो वहाँ से फिर जॉब लीव करके मैं पीएनबी में आया हूँ। वहाँ पे क्लरिकल कैडर में था। अच्छा। तो यहाँ पे ऑफिसर कैडर में हूँ, तो वहाँ का भी मैंने एक्सपीरियंस लिया है। और ऐसा मतलब जो जोक्स बनते हैं ऐसा सर एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं, मतलब वहाँ के भी जो स्टाफ है काफी ज्यादा डेडिकेटेड रहता है, अपनी तरफ से पूरा काम करता है। खुद ही कहा ना कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी अच्छा। एग्जैक्टली सर। ये बताओ आगरा में कितने दिन से हो? सर अभी एक वीक हुआ है मुझे। क्या समझ में आ रहा है, शहर घूमे हो थोड़ा बहुत? सर बहुत ज्यादा तो अभी फिलहाल नहीं घूम पाए हैं, जितना भी घूमे। हाँ नहीं, अच्छा है। एक्चुअली मैं झांसी से अगर कंपेयर करूँ, तो झांसी से तो काफी बड़ा शहर है, यहाँ पे एक तरीके से टूरिस्ट प्लेस है, तो काफी घूमने की काफी सारी चीजें भी है। ये भाई साहब बता रहे हैं कि सड़कें खुदी पड़ी हैं। नहीं एक्चुअली मैंने अभी तक यहाँ पे कोई राइडिंग नहीं करी है, हम लोग पैदल या फिर अपना ऑटो रिक्शा लेते हैं, वो हमको सही सही पहुँचा देता है बस। तो ऑटो वायु मार्ग से थोड़ी जाता होगा है भाई? क्यों ऑटो वायु मार्ग से तो नहीं जाता होगा ना? ज्यादातर हमारा रूट लगा है एमजी रोड पे। हाँ। यहीं पे पास में हमारा होटल है, यहीं बगल में सर्कल ऑफिस है बस। और एमजी रोड पे ही चिल कर लेते होगे? एमजी रोड पे ऑटो जाता नहीं है। एमजी रोड में ऑटो जाता नहीं? नहीं सर, चला जाता कई बार। ये भाई ऐसे देखो गुरु, ऐसा है ये सुनो सर, क्या कह रहे हैं, कौन जाता है? सर जो ऑटो वाले ना या पुलिस वालों के पास जो पैसे जाते हैं ना, तो वो चला सकते हैं। अदरवाइज जिन पे लाइसेंस या रूट नहीं है उनका, वो नहीं चला सकते। क्या नाम है आपका? सर मेरा यामीन हुसैन नाम है सर। क्या करते हो यामीन? सर मैं एज अ स्विमिंग कोच हूँ, पीटीआई हूँ सर स्कूल में। बढ़िया यार। ये बताओ, ये हमारे बहुत सारे नौजवान हैं, थोड़ा आगे आओ यामीन, बहुत सारे नौजवान हैं, ये लोग स्वास्थ्य पे ध्यान व्यान नहीं देते हैं, क्या करना चाहिए? स्पोर्ट्स का कल्चर कैसे बिल्ड हो? सर एक्चुअल में हमें खुद इसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल वाले क्या होते हैं, आप एक्टिविटी के लिए हम लोग पैसे लेते हैं, हम लोग चार्ज देते हैं, बट अगर बच्चों बोला जाए ना कि पढ़ना है बेटा 3 घंटे पढ़ना है, हाँ आप पढ़ो पढ़ो, आपको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, एजे क्लियर करना है, वो क्लियर करना है, आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये सबका एम क्लियर है,
बट अगर आपको बोल दिया ना कि हमें सर 2 घंटे हमें खेलने जाना है स्कूल की और कोच हमारे आने वाले हैं उनको फीस देनी है एंड कोच को हमें कुछ बन के दिखाना है तो कोच का ही पैसा बचा के किला बनाएंगे हाँ, वो बनाएंगे लेकिन फिटनेस जब टोन निकला है ना फिर कह रहे यार ये कम हो गया अब जिम चलते हैं अब ट्रेडमिल पर 2 दिन दौड़ेंगे यार पैर दर्द कर रहे हैं क्योंकि एक एज पे आके ना वो खत्म हो जाता है जहाँ पर आपको बर्गर खाने का मजा आएगा लेकिन आपको ट्रेडमिल पर 5 मिनट दौड़ने के लिए ना वो नहीं चाहिए आपको पेशेंस नहीं चाहिए बट आपको नीरज चोपड़ा अगर मेडल लेके आता है ना पूरा इंडिया आपको स्टेटस लगाते हुए दिख जाएगा कि यस यस वी आर इंडियन यस प्राउड ऑफ यू नीरज चोपड़ा यस चक दे 130 करोड़ है एक मेडल आया है खुश सारे एक गोल्ड मेडल एक मेडल तो और भी नहीं एक गोल्ड के साथ सारे खुश लेकिन एफर्ट्स आप कब दोगे स्कूल टाइम में सॉरी आप खेल नहीं पाओगे जैसे कि अभी मैं जॉबलेस हूँ सर और लगभग कोविड जब से स्टार्ट हुआ तब से क्यों क्योंकि एक्टिविटी हम करा ही नहीं रहे आपको अकेडमिक पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन चल रही है बट स्पोर्ट्स के नंबर यार स्विमिंग आपकी है ही नहीं स्विमिंग पूल बंद पड़े हैं हम आपको कैसे सैलरी दें हम आपको सैलरी क्यों दें हमारे स्कूल का ये कहना है कि हम आपको सैलरी क्यों दें आप तो स्विमिंग कोच हो हमारे हमारा पूल बंद है हमारा पूल बंद है तो हम लोग बेरोजगार हैं अब हम लोग खेल लगाएं या फिर चाय की दुकान पर काम करें वो बेटर है बट एक टीचर बनने के बाद भी हम लोग घर बैठे वो चीज़ इनको गवारा है मतलब वो चीज़ अच्छी है तो ये चीज़ हमारा फ़र्क कहीं ना कहीं ला देते हैं हम लोग सर यू मेड अ वेरी वैलिड पॉइंट यामीन काफ़ी दुरुस्त बात कही आपने अच्छा थोड़ा आगरा के बारे में बताइए क्या है यहाँ की पॉलिटिक्स को समझाइए किस पार्टी का जोर दिखता है कुछ काम हुआ नहीं हुआ इतनी सरकारें आई गई टू बी ऑनेस्ट सर मैं एक बात कहूँगा जैसे कि हमारे जो मेयर हैं सर मैं तारीफ करना चाहूँगा उनकी क्या नाम है नवीन जैन अच्छा किस पार्टी के हैं सर वो बीजेपी के हैं अच्छा ठीक है मैं उनकी तारीफ करना चाहूँगा जब वो बने थे सर ये मुझे पता है कि वो एक तो वेरी मतलब उनका एक तो रुतबा अलग है वो इतने पैसे वाले ना इतने पैसे वाले हैं ऊपर से उन्हें लालच नहीं है जो छोटे छोटे ना वो करप्ट चीज़ें नहीं करते कि ये रोड का पैसा आया है वो मैं निकाल लूँ या फिर ये बनना है तो उन्होंने बहुत हद तक चीज़ें अच्छी की हैं जो लास्ट मेयर थे उनके कंपेरिजन में ये मैं सबसे बोल सकता हूँ यहाँ पर क्योंकि क्या क्या अच्छी मतलब रोड अच्छी हुई है पहले से बेटर है रोड भाई कह रहा है कि रोड खुद गई है आप मैं इनसे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ अभी एज अ मुस्लिम अब आप बोलो बीजेपी वो वाला आया था ना कि मैं बीजेपी के सपोर्ट मैंने तो कुछ बोला ही नहीं भाई बता रहा हूँ मैं लोग ऐसा बोल रहे हैं मैं ऐसा बता रहा हूँ बट एज अ मुस्लिम मैं ये चीज मानता हूँ जो अच्छा करता है मैं बोलूंगा जो बेकार करेगा मैं उसके लिए ही बोलूंगा बट उन्होंने अच्छी चीजें की हैं मतलब घोटाले वगैरह नहीं फालतू की चीजें नहीं हुई रोड अच्छे हुए हैं पानी नहीं सर सुनिए कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं लास्ट मेयर से अब मैं आपको चंडीगढ़ से कंपैरिजन नहीं कर सकता सर आगरा का ना दिल्ली से कर सकता वो धीरे धीरे चीजें चेंज होती हैं भाई साहब एक बहुत देर से खड़े हैं जी नमस्ते नमस्कार सर क्या नाम है हरिन नाम है मेरा और काफी समय से आपका वेट किया आपने पहली चीज तो बहुत इंतजार करा आगरा में कहाँ पे इंतजार वहाँ से मैं फॉलो कर रहा हूँ आपको व्हाट्सएप पे पर आपने अब आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया अमित जी डाल रहे हैं अपडेट अच्छा उनका नंबर है मैं कहूँ नहीं 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 हमारे लिए आप आदेश करें मैं माफी चाहता हूँ अपनी टीम की तरफ से सर मैं हरेंद्र हाँ। क्या करते हैं आप सर बाय प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और अभी आगरा में हूँ पिछले 3-4 साल से तो पहली चीज तो भैया ने बोला वो ठीक है मेयर साहब बदल गए मेयर साहब उसी PNC कंपनी के MD हैं जिसने लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाया जिसमें फोटो ही देखी होगी आपने गाड़ी गड्ढे में चली गई थी सड़क धंस गई थी ना वही इनका ही भैया का पॉइंट भी वैलिड है कि सड़कें क्योंकि गंगा परियोजना चल रही है शहर में पूरा शहर खुदा हुआ है कौन सी परियोजना गंगा जल परियोजना है पूरे शहर में गंगा जल डाला जा रहा है घर घर तक तो उसकी वजह से शहर में घर घर गंगा जल नहीं डाला जा रहा हर घर में गंगा जल की हाँ जो बुलंदशहर से सप्लाई है वो भेजने के लिए पूरी सड़कें खोद रखी हैं लेकिन जिस तरीके से खोद दी जाती हैं उतनी फुर्ती से वो सही नहीं की जा रही हैं ठीक है वो डर्रा वही सरकारी जो सालों से चला रहा है टेलीफोन लाइन बिजली की लाइन फिर पानी की लाइन वही सारी चीज़ें बाकी आगरा के आप समझ लो 2 MP बीजेपी से 7 विधायक बीजेपी से मेयर बीजेपी से अगर यहाँ कुछ मंत्री भी मंत्री साहब जी जो कठेरिया जी अभी वहाँ चले गए इटावा एसपी सिंह बघेल वो हाँ वो भी मंत्री हैं इस समय तो ये सारे 9 विधायक 9 के 9 भाजपा के ठीक है कहीं पूरा भगवामय है 9 विधायक जिला पंचायत अध्यक्ष 2 सांसद डबल सरकार चल रही है मतलब जो कहते हैं ना मोदी डबल पायलट वाली सरकार केंद्र में स्टेट में सब कुछ है शहर में भी सब कुछ है अगर कुछ नहीं होता है तो उसके लिए पार्टी जिम्मेदार हम हार्डकोर बीजेपी वाले हैं 35-40 साल से मेरे पेरेंट्स बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं तब से जब
एक सीट होती थी, पर हम आज भी वोट देते हैं, लेकिन गलती है तो है। अगर किसी चीज के लिए शहर में लोगों को दिक्कत है तो वो है, उसकी दिक्कत चुनाव में एक मुद्दा होगी नहीं होती सर। लोगों के फिर पर्सनल टेस्ट आ जाते हैं, पर्सनल अपने आ जाते हैं कि साहब ये आदमी से हमें क्या बेनिफिट है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं। वहाँ लोग फिर बदल जाते हैं, वैसे सबके अलग अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन जब इलेक्शन का कैंडिडेट डिसाइड होता है तो फिर लोग उसमें जाति भी देखेंगे, उसका धर्म भी देखेंगे, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स वहीं आ जाते हैं लोकल, जो आप गाँव में भी देख रहे हो ना जाके भी। कहने को लोग मुद्दा बनाएंगे साहब हमें पैसा नहीं मिल रहा, हमारी सड़कें खराब हैं, स्कूल खराब है, बट जैसे ही इलेक्शन आता है, कैंडिडेट डिक्लेयर होता है, वहाँ फिर लोगों की अपनी पॉलिटिक्स के सारे समीकरण चेंज हो जाते हैं। ये एक मसला है। क्या नाम है आपका? सर वैभव निगम। वैभव क्या करते हो? सर अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कर रहे, अभी स्टडीज चल रही है फदर बीपीटी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। थोड़ी देर पहले तो तुम बोल रहे थे कि एमआर हो। सर वो एक पार्ट टाइम जॉब, घुसते घुसते भीतर नौकरी छोड़ दी क्या? सर वो एक पार्ट टाइम जॉब ले रखा है पढ़ाई के साथ साथ, एक्चुअली क्योंकि जॉब का सेंस। आप पार्ट टाइम जॉब भी करते हो और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बीमार नहीं हुआ है? नहीं नहीं ये उपलब्धि है भैया, लोग बुरा मान जाते हैं। जी सर। आप एमआर हो, आप क्या करते हो भाई साहब? सर मैं एमआर हूं। आप भी? और भी कोई है एमआर? ये भाई भी तो साथ ही आया था। नहीं सर वो गए सर, वो दो को भेज दिया। हाँ। क्यों? वो मार एक बकाया था क्या यहाँ पे? एक खिरागढ़ का था, एक टुंडला का था। अच्छा जी। हाँ, तो दोनों को दूर जाना होता है सर, तो काफी इसलिए चले गए। आपका घर यही आगरा? हम आगरा। जी सर आगरा लोकल। क्या है आगरा का सर? बिल्कुल आप नौजवान, पॉइंट सही है सर। जैसा कि बेसिक नीड्स जो आगरा की हैं, पहले रोड्स बड़े हो, नालियों का निकास हो, पानी का भरना सर जो भर जाता है वो हो सर, लेकिन सारे रोड्स खुदे हुए हैं। जो सर ने बताया गंगा जल परियोजना चल रही थी उसके लिए सर, मतलब जिस स्पीड से खोदा गया था ना आगरा, उस स्पीड से कवर नहीं हुआ। आप ये समझ लीजिए, अगर आप टू व्हीलर पर ड्राइव कर रहे हैं अपना, तो उसके सौकर दो महीने बाद ही खत्म हो जाएंगे उस टू व्हीलर के, आपको सर्वाइकल हो जाएगा। इतनी दुर्गति है इसकी आगरा की, इस रोड्स की। और जो मेट्रो का काम चल रहा है वो चल ही रहा है, लेकिन सर उसमें रोड्स को पूरा मतलब ब्लॉक कर दिया गया, वो आप निकल नहीं सकते। केवल एक रोड था हम पर जिसमें हम किसी भी पार्टी शादी में 10-15 मिनट में पहुँच सकते थे सारे वहीं पर किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन अब आपको एक घंटे पहले अपने घर से निकलना पड़ेगा उसके लिए। ऐसा तो नहीं कि सरकार कोरोना के मद्देनजर ये चाहती होगी तुम पार्टी ना करो इसलिए रोड खुदवा दी हो? नहीं सर ऐसा नहीं है, बट ये कि सर जो चीज़ है वो सामने ही है। और आगरा का जिस तरीके से डेवलपमेंट दिखाते थे कि मैं स्मार्ट सिटी है और ये इतनी तेज़ी से काम हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा सर इस हिसाब से, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। जैसे 5 साल मायावती सरकार रही, 5 साल अखिलेश यादव, 4.5 साल योगी, कुछ 15-20 साल में कुछ हुआ है आगरा में कि जो कहते हैं जैसा बचपन में था तुम्हारे वो भी भरी जवानी में? वैसे इस पर होर्डिंग काफ़ी बढ़ गए हैं, जो बदला है चेंज, होर्डिंग्स काफ़ी बढ़ गए हैं सरकार के। और मेरे हिसाब से तो बस एक मेट्रो का काम ही चल रहा है, बाकी अभी एक एलिवेटर उद्घाटन हुआ था आज से 14 अगस्त के दिन, वो भी अभी काम रुका पड़ा है, कुछ नहीं हुआ उसका अभी। एक बाईपास पुल बनने वाला था वो भी अभी रुका हुआ है काफ़ी। एक सवाल ये भी बताइए, दोनों लोग बताइएगा कि कोविड के दौर में आपका जो आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, किस तरह का असर पड़ा है आप लोगों के काम पे? काम बढ़ा है घटा है? सर अलग अलग स्पेशलिटी, जैसे रेस्पिरेटरी की अगर बात करी जाए, रेस्पिरेटरी में काम बढ़ा है। रेस्पिरेटरी मतलब सांस की? जैसे कि मैं हमारा जो है, हमारा यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है। कौन सा? नेफ्रो यूरो में हम लोग, सूसू वाला डिपार्टमेंट। हाँ, तो उसमें क्या है कि लोगों को कि किडनी वाला, लेट मी बी मोर स्पेसिफिक, क्या होता है कि वो लोग 60+ में डॉक्टर पे जाता है। अब तो पेशेंट जा ही नहीं रहा पहले डॉक्टर के पास, और इतनी कॉस्टली मेडिसिन होती है कैंसर की, तो पेशेंट का ये फीडबैक है यार हम लोग पहले कोविड से बच लें, बाद में कैंसर की दवाई ले लेंगे। और दूसरी बात ये है कि वो 60+ दादाजी की होती है, तो वो कहते हैं कि पहले हमने बेटे को नौकरी चली गई है, हम दवाई कैसे लें? तो ये क्या सारी चीज़ें हम लोग के साथ फेस हुई हैं जो कोविड के टाइम पे, जो मेरे पेशेंट थे जो कैंसर की दवाई लेते थे उन्होंने नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि पैसे नहीं है कोविड की वजह से। पहले वो कोविड का ट्रीटमेंट कर लें, बाद में कैंसर करेंगे। हाँ, जो हमारी डिवीज़न है MSN में रेस्पिरेटरी है, वो बहुत ही हाई हुई, हम लोग डी ग्रोथ में आ गए। तो वो क्या है कि अलग अलग अगर आप देखेंगे मेडिकल में तो अच्छा हुआ है। जैसे कि हमारी एक MSN ने एक दवाई बनाई थी फेविपिराविल, जो कोविड में काफ़ी मतलब लोगों ने ब्लैक में परचेस की, मतलब लोगों को डॉक्टर ने सजेस्ट नहीं करा कि आप फेविपिराविल, लोगों ने मार्केटिंग में ले ली फेविपिराविल। उन्होंने इस तरह से ली, इंजेक्शन को ले लो आप रेमिपिराविल से, आप डॉक्टर को नहीं दिखा रहे, खुद ही लगवा दे रहे। क्यों? कोविड और इससे बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हुआ बॉडी में। हालांकि वो स्टेरॉयड ही है बॉडी के अंदर, अब स्टेरॉयड को ज़्यादा लोगों से आप ज़्यादा कम अंडर सुपरविजन ही ले सकते हो, स्टेरॉयड ऐसे रेंडमली नहीं ले सकते हो। आपको कोविड है या नहीं हो आपको पता नहीं है, पर आप दवाई ले रहे हो। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया है, कई डॉक्टर ने वीडियो देख ली कि फेविपिराविल ले रहे थे, कोविड ठीक हो जाएगा। एक पैटर्न चल गया ना, इम्यूनिटी बढ़ाओ, आप कैसे भी इम्यूनिटी बढ़ा लो, खाने से इम्यूनिटी थोड़ी ऐसे बढ़ती है। लोगों के अंदर गलत फहमी आ गई थी कि ये चीज़ें मेडिसिन ले लो, ये चीज़ें ले लो, या फिर ये खा लो, या आप काढ़ा बना लो, मतलब वो चलन चल गया था। एक बात बताओ, तुम लोग सब नौजवान हो, आएंगे भाई सब है ना,
तुम भी नौजवान हो, तुम भी हो, ठीक, सब लोग कह रहे हैं कि वो नौजवान है। ये जब कोविड आया तो हमें लगा कि अब देश के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो होगा वो होगा देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन अभी जब मैं फील्ड पे निकला हूँ तो कोई इसकी चर्चा नहीं कर रहा दिखता। आप आइए ना, अब मैं ये चीज़ आप पूछिए, मैं आपको वो चीज़ बताऊँ। जैसे पूछ तो ली, अब बता। अब मैं बता रहा हूँ सर, जैसे कि सबसे बड़ा जो इशू आया था ना सर, ये ऑक्सीजन सिलेंडर सर, वो उसके चक्कर में ना लोगों को पागलों की तरह रोते हुए देखा है। ये चीज़ अगर आपको 600 रुपये में परचेज कर सकते हैं हम लोग, 600-700 रुपये, वो चीज़ 30,000 में हमने परचेज की है। आपकी दुकानदारी तो खराब नहीं कर रहा हूँ भाई साहब। नहीं नहीं, फिलहाल तो अगर अभी दुकान बंद हो जाएगी फिर जय हो जाएगी। दुकान बंद हो जाएगी? नहीं नहीं सर, साइड वाली साइड वाली, ये वाली खुली रहेगी? ये खुली रहेगी सर 24 आवर्स। अच्छा जी, 24 घंटे 24 आवर्स, बड़ा चोखा बिजनेस है। चलो हाँ, तो सर ऑक्सीजन की जो इशू आया था सर, तो लोगों ने क्या किया उस टाइम, तो बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बहुत ज़्यादा हाइपर हुए। जैसे कि मैं एक हमारे यहाँ एक हेल्प हमारा ग्रुप है, जैसे कि RHA है ना, फ्री टू हंगर, तो उसमें हमने काम किया, हमने बहुत लोगों की हेल्प की सर, बहुत लोगों की हेल्प की, जितना हो सकता था हमने हेल्प की। पर अब जैसे जैसे कोविड का जो हुआ था वो सर ख़त्म हो गया एकदम से, ठीक है अब हाँ ठीक है चल रहे, नॉर्मल चलने लगा। अब ऑक्सीजन के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा, अब प्लांट्स की तरफ कोई देख ही नहीं रहा, कि सोचा अभी गलती है थर्ड वेव आ गई तो आप और प्लांट्स बनाओ, नहीं आपको 2-3 प्लांट है वो ही काफ़ी है, बहुत है, तो ये चीज़ों पर कोई फोकस नहीं करता। हाँ जी भाई सर, मेरे को एक चीज़ याद आई कि आज से करीब 5 साल पहले एक SDM आई थी यहाँ पे, रेखा चौहान, उनके कार्यकाल में इस शहर के अंदर जो तंगलियाँ जिनमें भैया कह रहे हैं ना कि साइकिल भी नहीं जाती, उनको उन्होंने असली स्वरूप दिया था। अच्छे अच्छे व्यापारी, अच्छे अच्छे नेता जिन गलियों में नहीं जाते, जिन गलियों में पुलिस नहीं जाती थी, वहाँ उन्होंने खड़े होकर अतिक्रमण हटवाया, शहर की सड़कों को मूल रूप दिया, लेकिन उनके जाते ही शहर वहीं वापस आ गया। वो दुकानें आ गई, वो जो लोग खुद ही अतिक्रमण कर रहे हैं और खुद ही शिकायत कर रहे हैं कि जाम, क्योंकि उसका रीज़न वो खुद है। आज आप कितनी चौड़ी सड़कें आगरा की देख लो, सारी सड़कों पर अतिक्रमण है, इंटरलॉक लगा दिए गए हैं, कहीं सच्चे सड़कें कच्ची नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कई लोग ये भी बोलते हैं कि जैसे अब मान लीजिए दुकान है, यहाँ बहुत सारे लोग चाय पीने आते हैं, आधी सड़क घिरी हुई है बाइकों से, तो उनका कहना है कि साहब अब कस्टमर आएगा कहाँ, तो क्या पार्किंग की सुविधा और बढ़े क्या, मतलब इसके कई सॉल्यूशंस में से एक ये भी है ना कि हर मार्केट प्लेस में पार्किंग, शहर में जितने भी पुराने मार्केट हैं उसमें तो हम आप जा ही नहीं सकते, बाइक लेके भी जाने के लिए सोचना पड़ता है क्योंकि पार्किंग नहीं है। अब इस शहर का बस यही सॉल्यूशन है कि जो भी मार्केट टूट के बन रहा है उसमें बेसमेंट में ही पार्किंग रहे, ठीक बात है, शहर में घरों में और मार्केट में हो रही है तभी कुछ होगा। क्या नाम है भाई साहब? ऋषभ। क्या करते हो? BA। स्टूडेंट हूँ। करते क्या हो, सही सही बताओ। अभी तो इंटर्नशिप कर रहा हूँ वीडियो एडिटर, ऐसा एक यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पे वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं, तो आगे यही इसी काम में रहता है? अभी इंटर्नशिप पर से पता चल जाएगा कि आगे करना चाहता हूँ कि नहीं। ऋषभ नाम बताया? हाँ जी। आपने बहुत बढ़िया बात कही, जो भी नौजवान ये वीडियो देख रहे हैं या उन नौजवान के चाचा काका ताऊ भैया देख रहे हैं, 12वीं पास करते ही आप जिस भी कोर्स में दाखिला लें वो पढ़ाई करें, पर इंटर्नशिप ज़रूर करें हर ईयर के बाद। मतलब कई लोग तो 11वीं 12वीं से ही करने लगते हैं, कम से कम ग्रेजुएशन के 3 या 4 या 5 जिस भी आप कोर्स में कर रहे हैं इंटर्नशिप करें अलग अलग तरह के प्रोफेशंस में, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि किस में आपकी अभिरुचि, किस में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। बढ़िया। तो यार ये आगरा के इन्होंने बहुत सारे मुद्दे बताए, इसमें तुम कुछ नया जोड़ना चाहते हो? जो चीज़ मुझे लगती है, जैसे फतेहाबाद की और ज़्यादातर टूरिस्ट प्लेस हैं, ताजमहल भी हैं और वो सब है, तो जैसे कुछ भी बनता है तो थोड़ा ध्यान वहाँ रहता है कि टूरिस्ट आने वाले हैं, बाहर से लोग आने वाले हैं, लेकिन थोड़ा इस तरफ भी जो और भी आगरा है और जहाँ टूरिस्ट नहीं आते हैं, आगरा वासी रहते हैं, हाँ वहाँ भी ध्यान दिया जाए। हाँ वहाँ पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। और पानी, जैसे हमारे एक सर आए थे एक इंस्टीट्यूट में, वो बाहर से आए थे हरियाणा से, तो उनको यहाँ की हवा पानी जमी नहीं और वो काफ़ी बीमार रहने लगे, तो वापस चले गए सिर्फ इसी वजह से। भेज दो डायरेक्ट भेज दो। भेज दिया, चलो कर ले बात, बढ़िया। तो वो वापस चले गए और उन्हें यहाँ का हवा पानी, पानी का मसला है। हाँ पानी। हाँ जी भाई साहब नमस्कार जी। क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। क्या काम करते हो? मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ डेलॉइट में। कोई सॉफ्टवेयर ऐसा भी डेवलप हो जिससे आगरा की तरक्की हो? कैसे होगी तरक्की? तो उसके लिए गवर्नमेंट उन सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट नहीं करेगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, मैं अभी सेल्सफोर्स पे काम करता हूं। सेल्सफोर्स एक CRM टूल है, तो बाहर की गवर्नमेंट जो होती हैं वो उन्हीं को अडॉप्ट करके बैठी हैं, वो अपना मैनेजमेंट उन्हीं से करती हैं, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट उन कंपनीज को अपने यहाँ पर इंप्लीमेंट करने के लिए अलाउ कर रही है, लेकिन उनसे ऐसी डील नहीं। भाई भाई भाई, आसान भाषा में बहुत हैवी ड्राइवर निकले तुम तो, थोड़ा बिल्कुल हमको समझ में आ जाए ऐसे समझाओ। देखिए
एक CRM टूल होता है जिससे हम क्या करते हैं, क्लाइंट के रिलेशनशिप को मैनेज करते हैं, जो भी हमारा बड़ा प्लांट होता है उसकी रिकॉर्ड्स को मैनेज करते हैं। नहीं, नहीं, अभी भी नहीं। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? तालिब अहमद। तुम बताओ कि ये क्या बताना चाहते हैं? काफी अद्भुत जुगलबंदी है, बताओ। मैं भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैं कार्गो फ्लैश इन्फोटेक में काम करता हूँ। इसका कहने का मतलब है, हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है, अभी हमारा जो CRM या जो भी टूल है हमारे पास रिपोर्ट्स करने के, FIR करने के, पेन पेपर है या फिर ऑनलाइन बना दिया है, लेकिन उसका कनेक्शन किसी दूसरे लिंक से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदे की FIR होती है, उसका एक्सीडेंट हो गया, FIR हो गई, बंदे ने नोट कर ली, अब एक्सीडेंट हुआ तो वो हॉस्पिटल भी जाएगा, उसका डेटा हॉस्पिटल से भी लिंक होना चाहिए। अब हम क्या करें, एक सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया जिसका FIR भी हो गई प्लस वो हॉस्पिटल से भी लिंक हो गया। अब हॉस्पिटल से लिंक हुआ तो दवाइयाँ चलेंगी, मेडिकल से कनेक्शन होगा, ठीक है, फिर कोड भी आएगा, जब किसी ने एक्सीडेंट करा, कहाँ से ताल्लुकात हुए, कैसे हुआ, कस्टडी में जाएगा तो कस्टडी से ताल्लुकात हो जाएगा। तो मतलब है कि उसका जैसे USA के मनी हाइट्स में क्या दिखाया, फिंगरप्रिंट दिखाया और सब जगह का डेटा आ गया, इसमें भी वही है, एक जगह लगाएंगे और पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। हमारे कंट्री में जैसे बाहर की कंपनीज है, जैसे सेल्सफोर्स एक एग्जांपल लूँ, सेल्सफोर्स एक कंपनी है जो ये टूल बनाकर देती है। अब वो कंपनी इंडिया में आई जिसका हैदराबाद में हेड ऑफिस है, हमारी गवर्नमेंट ने उसे अलाउ किया आने के लिए, लेकिन हम ऐसी डील नहीं कर रही गवर्नमेंट कि आप हमें इसके लाइसेंस या कोई डील हमें सस्ते में प्रोवाइड करो, ताकि हम अपने इम्प्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन में इसका यूज़ बेहतर तरीके से सस्ते में कर सकें। मतलब हमारे यहाँ के डेवलपर लड़के लड़कियाँ दुनिया भर की पुलसिंग को और सबको स्मूथ कर रहे हैं, और हमारी घर में नहीं हो पा रही थी। आपको पता है, हमारी जो है ना, इंडिया में सबसे ज्यादा अगर जॉब्स की बात करें तो IT में बहुत जॉब्स हैं, और सबसे ज्यादा यूथ भी उसी के अंदर है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है, हम लोग काम बाहर वालों के लिए करते हैं, ना कि अपनी कंट्री के लिए। हम सॉफ्टवेयर बनाकर उनको दे रहे हैं, उनकी सहूलियत के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट यहाँ के लिए नहीं सोच रही। उनको क्या चाहिए, पेन पेपर पे काम हो, नाम बदल देंगे तो पेन पेपर बदल देंगे, क्या है जो हल्ला समझ देता है। ई गवर्नेंस सिर्फ उसको नहीं कहते कि आपने एक वेबसाइट बनाई, उस पर एक हिंदी में बारकोड नीचे मार्कअप चल रहा है और मुख्यमंत्री का फोटो लगा हुआ है, वो ई गवर्नेंस नहीं होती। ई गवर्नेंस होती होनी चाहिए कि एक सिस्टम पे आप हॉस्पिटल, रोड, अपने कोर्ट, पुलिसिंग, इन सबसे कनेक्ट हो सकें सिंगल पोर्टल के थ्रू। ये ना हो कि आपको RTO के लिए 4 वेबसाइट पे जाना पड़ रहा है, जैसे परिवहन की वेबसाइट है, परिवहन की वेबसाइट पे आपको परिवहन मुझे सुनाई दिया परिभवन, मैंने कहा बड़ा सुंदर भवन होगा भाई, परिवहन पे क्या है, आपको अगर अपना चालान देखना है तो अलग वेबसाइट है, आपको DL के लिए अप्लाई करना है तो अलग वेबसाइट है, आपको हाइपोथिकेशन के लिए अप्लाई करना है तो अलग वेबसाइट है। बंदा एक जगह पर क्यों नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ई गवर्नेंस नहीं है हमारे पास। दुर्गति बताई कितनी है, मेरे पास बाइक है, उसकी नंबर प्लेट जो थी हाई सिक्योरिटी थी, बैक प्लेट गिर पड़ी टूट के, उसको हो गया 1 साल। अगर मैं गाड़ी दिल्ली लेके जाऊंगा चालान हो जाएगा। मैंने अप्लाई करा HRCTC पे जाके, बाद कि भाई यहाँ पे जाके मैं अप्लाई करता हूँ, और वहाँ पे जाके जब मैंने चेक करा तो दिखा रहा गाड़ी पे आपकी जो नंबर प्लेट है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो मैं नई नहीं बनवा सकता। अब मैं कैसे बनवाऊँ, कोई इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिली। उस टाइम पे जो यहाँ के ना ट्रांसपोर्ट के जो हेड मंत्री थे, मैंने उनको टैग भी करा, कोई रिप्लाई नहीं आया। FIR मैं गया शोरूम पे, उसने बोला FIR करवा के लाओ, उसके बाद मेल करेंगे। FIR करवा दी, मेल कर दिया, नो रिस्पॉन्स, 6 महीने हो चुके, मैं कैसे बनवाऊँ। ई गवर्नेंस ये है, ई गवर्नेंस बस आपने बोल दिया, एक वेबसाइट दे दी बेकार सी, घंटा वेबसाइट है इतनी गंदी, वो काम भी नहीं करती है। हम बाहर की कंपनीज को अपने यहाँ पर आकर इम्प्लीमेंट करने को बोल रहे हैं कि आप करिए, तो उन्हीं से डील क्यों ना करें कि हम आपको इम्प्लीमेंट करने देंगे, लेकिन ये डील है कि आप हमको इतने लाइसेंस फ्री में दीजिए। उससे क्या होगा, हमारा पैसा भी बचा, और हमने वही ई गवर्नेंस पोर्टल जो बाहर लोग पैसों में चला रहे हैं, हमने सस्ते में चला दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें हमारे यहाँ की मैन पावर चाहिए। काफी सेंसिबल बात कर रहे हो तुम लोग। एक प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे आपको लेबर क्लास मिल जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे नहीं है, इसने अभी BCom करा, ये भी BA कर रहा है, इन्होंने भी कुछ कर आया। यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत है IT की। इंडिया आगरा के अंदर IT के लिए क्या, IT के नाम पे सिर्फ एक कॉल सेंटर है, सिर्फ एक कॉल सेंटर, थोड़े बहुत लोग जॉब कर रहे हैं। यहाँ का बच्चा क्या जाता है, बाहर जाता है, नोएडा जाएगा, नोएडा में 10,000 रुपये की नौकरी मिलेगी, उसको रहना भी 10,000 रुपये में, खाना भी है, घर पर भी कुछ भेजना है। अगर यहाँ पर होगा एटलीस्ट उसको, चलो 10,000 रुपये अगर आगरा में मिल रहे हैं, उसके पास घर तो है अपना, रहे खाने के लिए पैसा तो है। अब अगर मैं आगरा की पॉलिटिकल इक्वेशन की बात करूं, तो मेरा एरिया आता है आगरा नॉर्थ में, जहां से 25 साल से MLA थे स्वर्गीय जगन प्रसाद गर्ग, जिनका 2019 में देहांत हुआ, उसके बाद बाय इलेक्शन हुए पुरुषोत्तम खंडेलवाल आए। पुरुषोत्तम खंडेलवाल को आज तक मैंने फील्ड पे एक दिन नहीं देखा, एक दिन क्या, कोई और बता दे यहाँ पे कि उसने फील्ड पे देखा हो काम करते हुए पुरुषोत्तम खंडेलवाल को। दूसरा, यहाँ के जो MP हैं SP सिंह बघेल, उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच दी थी कि इससे पहले मैं MLA रहा, मैं क्या करता रहा, मैं पुल, सड़क, खरंजे बनाता रहा, मैं ये बनाता रहा जिंदगी भर, मेरा योगदान राष्ट्र निर्माण में नहीं लगा, ये उनके शब्द थे।
क्या वो जब राज्य मंत्री या केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे उसी को राष्ट्र निर्माण कहेंगे? पुल रोड बनाना राष्ट्र निर्माण में नहीं आता, ये मेंटेलिटी है यहाँ के पॉलिटिकल। यहाँ पर इतनी सारी पॉलिटिक पावर है, ये उसके बाद भी आगरा के बारे में नहीं सोचते, ये लोग बोलते ही नहीं है कुछ। हमें भी तो लगी है भाई, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़ा हो और आगरा के मुद्दे बोले भाई आगरा के यूथ को यहाँ पे कॉल सेंटर चाहिए या फिर जो यहाँ की कॉलेजेस हैं उनमें नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाओ गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, कुछ नहीं करते हैं ये लोग। सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम होगा, उनकी वाइफ जाएंगी वहाँ पे केक कट कर देंगी, फोटो छप जाएगा उनका, बस तालियां बजेंगी। यहाँ पर आप अभी अलीगढ़ में थे, वहाँ पर था कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, वो बिल्कुल सही बात है कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में क्या होता है, अगर आपके एग्जाम हो गए तो रिजल्ट का पता नहीं है, रिजल्ट आ गया तो नेक्स्ट ईयर के फॉर्म कब बनने हैं उसका पता नहीं है, फॉर्म आ गया तो नेक्स्ट ईयर के एडमिट कार्ड कब मिलना है उसका पता नहीं है। सर और आगरा यूनिवर्सिटी की बहुत शिकायत आ रही है। हाँ जी भाई साहब क्या कह रहे थे? मेरा नाम है संदीप सिंह। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ सर कि आगरा में बीजेपी के 9 विधायक, 2 सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, 2 मंत्री और अभी हाल ही में किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ और जो किसान भारतीय उसके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा के वो फतेहपुर सीकरी से सांसद हैं, उनका ना कोई स्टेटमेंट आया। शिक्षा स्वास्थ्य इतना ख़राब है आगरा का, और सबसे बड़ा मुद्दा है जो आगरा का वो टोरेंट पावर का है। टोरेंट पावर क्या है भाई? ये बिजली का बिल है, प्राइवेट कंपनी है टोरेंट पावर। जब यहाँ से दक्षिण विधानसभा से विधायक थे योगेंद्र उपाध्याय, टोरेंट पावर का आगमन हुआ आगरा में मायावती की सरकार में, ये योगेंद्र उपाध्याय जी इतने धरने प्रदर्शन करते थे, इतने धरने प्रदर्शन करते थे भाजपा में थे जी, अभी भी भाजपा ही में ही है, इतने धरने प्रदर्शन करते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम हटा देंगे टोरेंट को यहाँ से और जाने को लिए मजबूर कर देंगे, लेकिन आज ये बिल्कुल नज़र नहीं आते हैं। मेरा विधानसभा क्षेत्र टोरेंट पावर से समस्या क्या है? लाइट का बिल सर इतना ज़्यादा आता है, 8 रुपये यूनिट लाइट है, एक यूनिट 8 रुपये है, 3,000, 4,000, 5,000 रुपये लाइट का बिल आता है, और गरीब आदमी जो होना चाहिए आपके हिसाब से पर यूनिट? 3.5-3 रुपये यूनिट जो गवर्नमेंट ले रही है उस हिसाब से होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट 3 ले रही तो ये 8 कैसे ले रही? ये टोरेंट पावर का लाइट है जो प्राइवेट इनका यूनिट चलता है, फिक्स चार्ज भी इनका 1,000 रुपये है, 1,000-1,500 के बिजली का मसला है। क्या नाम है आपका? देशदीप। देशदीप क्या करते हो भैया? हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट। काफी धांसू साउंड कर रहा है, क्या हैंडीक्राफ्ट में बना? पड़ा हुआ है काम, धांसू था क्यों बंद पड़ा? रिटेल बिल्कुल बंद हो चुका है, टूरिज्म नहीं है तो एक वो बड़ा मेन फैक्टर है, इनबाउंड पे डिपेंड करते हैं, इनबाउंड टूरिज्म नहीं है, और एक्सपोर्टर आप नोएडा भी हो, मैं आपने करा था एक्सपोर्ट के लिए, इंडिया में भी माहौल बहुत डेवलप नहीं है, इंडिया में माहौल बहुत डेवलप नहीं है, प्लस मैं जो प्रोडक्ट करता हूँ मार्बल इनले वो 12% मतलब वो जो छोटे छोटे से ताजमहल बनाते हो? नहीं नहीं, पच्चेकारी। पच्चेकारी। हाँ वो स्कल्पचरिंग है। स्टोन्स को शेप करके उसके अंदर इनले कर देना, डिजाइनिंग कर देना, तो वो करता हूँ। उस पर GST है 12%, जो कि पहले शायद 18 होने वाला था, एसोसिएशन गई और बात हुई। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी यूपी गवर्नमेंट ने इसको इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे लेदर है, लेदर तो ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है। एक मुझे आपसे बात करते हुए समझ में आया कि जब टूरिज्म डाउन हुआ तो उसका हैंडीक्राफ्ट पे भी असर पड़ा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपको अभी भी आपको सब इस टाइम बंद है, बड़े बड़े जितने एम्पोरियम्स हैं, जितने भी एम्पोरियम्स हैं इस टाइम सब बंद पड़े। काम करते हो? क्या नाम है? अभी मैं तो स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरे परिवार से इनले वर्क में है सर। परिवार सब इसका टूरिस्ट? क्या नाम है? डिपेंडेंट अदीम खान। अदीम खान आप अपनी बात कंटिन्यू करो। तो 12% टैक्सेशन पे, आप मार्केट के कंपटीशन को अगर देखेंगे, जैसे हमारे यहाँ से आगरा से मेन तो भदोही और मिर्ज़ापुर वाला एरिया है जहाँ से कारपेट एक्सपोर्ट होता है, यूरोपियन मार्केट बहुत बड़ा है कारपेट के लिए क्योंकि उनकी ठंड होती है, हमसे ज़्यादा मार्केट पिछले कुछ सालों में टर्की लेके जा चुका है, वहाँ पर टर्की के लोग वहाँ पर बहुत आराम से बिजनेस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से गवर्नमेंट इतना सपोर्ट नहीं करती, टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, टैक्स कुछ कम इसलिए हो गया क्योंकि बुनकरों की राजनीति होती है देश में, बुनकर बड़ा वोट बैंक है तो उनकी वजह से वो टैक्सेशन कम हुआ है, मेरे काम पर जो हम करते हैं उस पर टैक्सेशन कम नहीं हुआ क्योंकि उतना बड़ा वोट बैंक नहीं है, 10-20 हज़ार कारीगर हैं, उनका परिवार है, बुनकर एक बड़ी क्षेत्र में है उत्तर प्रदेश के, तो वो है, बाकी आगरा में विकास मैंने तो नहीं देखा। नहीं देखा? अच्छा बस एक चीज़ मुझे बताइए आप सब लोग, ये लास्ट या सेकेंड लास्ट सवाल है, लास्ट तो मैं ये दिखाऊंगा, अभी मत दिखाना, कि ये सब आपने मुद्दे बता दिए, कौन सी पार्टी का आगरा में जोर रहेगा इन सब के बावजूद जो कुछ आपने कहा? सर पार्टी का जोर यहाँ पे पॉइंट्स को देख के नहीं देते यहाँ पे वोट, लास्ट वही तो क्या जोर किसका रहेगा? दोबारा बीजेपी आएगी यहाँ पे,
लोग क्यों लगता है ऐसा आपको? लोग यहाँ पे ये बोलते हैं, अल्फाज उनके ये होते हैं, चाहे कोई भी खड़ा हो जाए हम उसको नहीं देख के वोट नहीं देंगे, हम बीजेपी को वोट। क्यों ऐसा क्यों हुआ है उनको बीजेपी? ये शुरू से यहाँ का बने हुए एक रिवाज बना हुआ है कि भाई वोट हमें इनको देना है। और आगरा आपके रेस्टोरेंट हाँ नहीं है सर, ऐसा नहीं है। आगरा में मायावती के भी 6-6 विधायक रह चुके हैं। पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि पूरा आगरा भगवामय है। पहली बार लोगों ने विश्वास जताया मोदी क्या रहेगा 2022 में? बड़े बड़े वादे किए, लोगों ने विश्वास जताया 2022 में क्या रहेगा? सरकार पूरी तरह फेल है और इस सरकार के प्रति लोगों में इतना गुस्सा है आगरा की जनता में कि पहली बार तो इनके 5 से 6 विधायकों के टिकट कटेंगे, आप देख लीजिएगा। टिकट कटेंगे तो जीत जाएंगे, टिकट कटेंगे और जिनको नयों के टिकट मिलेंगे वो भी हारेंगे। करीब करीब 7 से 8 विधायक फिर से आएंगे। किस पार्टी के? बीजेपी के। दोनों लोग बहुत अलग अलग बात कर रहे हैं। सपा के राज में गुंडे ही बहुत हुई है, इस बात से को जानते हैं। कांग्रेस यूपी में बिल्कुल डिफंक्ट है, पता नहीं कभी 10-20 साल बाद वापस आ पाए। बसपा मायावती खुद शांत है, पिछले 4-5 साल से आप किसी मीडिया चैनल पर उन्हें बहुत छाया हुए नहीं देखा, वो बहुत ज़्यादा रैलियाँ नहीं करती हैं, तो पार्टी शांत है। अब जब आपके पास ऑप्शन नहीं है कोई तो आप बीजेपी के पास जाओगे, बाकी बीजेपी की होल्ड ओवरऑल आगरा में बहुत अच्छी रही। डेवलपमेंट के नाम पे अगर वोट मिलना होता तो 2017 में अखिलेश यादव दोबारा आते। देखिए दिक्कत क्या है, आएगी तो बीजेपी यहाँ पे, 9 की 9 सीट आएंगी। दिक्कत क्या है कि पार्षद के इलेक्शन हो रहे हैं तो मोदी जी 370 और वही 4 मुद्दे, एमएलए के हो रहे हैं तो वही मुद्दे, मतलब मोदी जी या जो भी सेंट्रल के लेवल के मुद्दे, लोकल मुद्दे नहीं रहते जी, वही मतलब एक फ्रेमवर्क तैयार कर रखा है। कोई भी इलेक्शन हो, पार्षद का हो, ब्लॉक प्रमुख का हो या फिर प्रधानी का हो, हमें वही लेके चलना है। मोदी जी गैस पार्टी और 370 बैठा है, सेम चीज रहेगी। ठीक, अच्छा एक चीज़ और बताइए, आप लोग आगरा से हो तो जो आगरा के बाहर के आपके दोस्त रिश्तेदार हैं वो कुछ अजीबोगरीब चीज़ें पूछते होंगे ना आपसे आगरा के बारे में, तो मोस्ट वियर्ड थिंग दे डू और आस्क आते हैं सबसे पहले और बोलते तुम तो ताजमहल रोज जाते होगे, ताजमहल रोज जाते होगे और पेठा पेठा तो ऐसा आती कर रखा है, जब भी आते हैं ना आगरा पेठा ले जाना। हम बोल देते आज भी आगरा में, उनके हिसाब से पागलखाना आज भी आगरा में, वो शिफ्ट हो चुका है। पर आप आज भी बात करोगे किसी भी मीडिया चैनल, पागलखाना, ताजमहल, पेठा और क्या है, जूता मंगवाते हैं यार, जूता लिया ना तो सस्ता होगा, जबकि सस्ता क्या होता है, हमें भी उतना ही पड़ता है। एक चीज और है, जब आप जनप्रतिनिधि, नहीं अभी पॉलिटिक्स पे आएंगे, पहले ये आगरा पे बात चले, वो विषय टूट जाएगा। हाँ क्या सुना है आगरा के बारे में? पेठा, ताजमहल संस्थान भी है आगरा में जिसकी कोई बात नहीं करता है, और अभी अभी हिंदी दिवस निकल कर तो रहे हो, नहीं हम बता रहे हैं ना। हिंदी दिवस तो मैं बहुत सहमत नहीं हूँ, 365 दिन लल्लन टॉप 365 दिन हिंदी दिवस मनाता है सर, जिस तरीके से लल्लन टॉप वो करता है पत्रकारिता, ऐसे ही हिंदुस्तान की हर एक पत्रकारिता। थैंक यू भाई, थैंक यू। अरे बस तारीफ नहीं, तारीफ पीठ पीछे करनी चाहिए, मुंह पे नहीं। हाँ जी भाई, और कोई आगरा के बारे में कुछ वियर्ड बात सुनी किसी ने? तुम तो कुछ बोले ही नहीं, क्या नाम है? मैं गौरव नाम है मेरा। क्या सुना है तुमने आगरा के बारे में? रिश्तेदार क्या बोलते हैं तुम? रिश्तेदार आगरा के पानी से थोड़ा परेशान रहते हैं, पानी से परेशान। हाँ जी भाई साहब, वही है पेठा, जूता, ताजमहल, पागल खाना और पानी, चार पांच चीजें, गंदी पॉल्यूशन बहुत है। चलिए कृपया उधार ना मांगे, हमने खुद बैंक से लोन ले रखा है। बहुत रचनात्मक है यहाँ के भाई साहब, बहुत ही रचनात्मक है यहाँ के युवा, उन्होंने आगरा का हाल बताया। आगरा का हालचाल अभी और जानते रहेंगे, आप देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।